नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने स्टूडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक महिंद्रा के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के बारे में, किस तरीके के रिजल्ट और किस तरीके के इम्पैक्ट जो है आज के दिन स्टॉक प्राइस पे देखने को मिल सकता है कल के दिन सुबह। जैसा कि हमने देखा, TCS और बाकी के नतीजे जो अच्छा तो दिखाई दिए थे, लेकिन इन्फोसिस के नतीजों से निराशा होती हुई दिखाई दी। तो अब क्या टेक महिंद्रा निराश करेगा या फिर यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी तेजी जो है वो बनते हुए दिखाई दे सकती है। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं नतीजों के बारे में, तो यहाँ पे हम बात करने वाले कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की, और जितने भी हम आंकड़े की डिस्कशन करेंगे मिलियंस में, तो इसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का नंबर, तो आपको देखने मिल रहा है 13,160 करोड़ का नंबर देखने मिल रहा है, जो कि पिछले साल 12,707 करोड़ था, और लास्ट क्वार्टर में अगर आप देख रहे हैं तो 13,718 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे गिरावट है, साल दर साल आपको यहाँ पे एक बढ़त देखने मिल रही है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर जो है कमजोर देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो एक्सपेंस हुई है 12,387 करोड़ की, जो कि पिछले क्वार्टर में 12,493 करोड़ थी और लास्ट ईयर थी 11,344 करोड़। तो साल दर साल यहाँ पे एक्सपेंस बढ़ा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर देखें तो थोड़ा सा एक्सपेंस बिल्कुल फ्लैट साइड में रहता हुआ दिख रहा है, एक्सपेंस में कोई खास कमी देखने को नहीं मिली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर अगर आप यहां पे देख रहे हैं सारे टैक्स निकालने के बाद, 703 करोड़ का नंबर आपको यहां पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखने मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1125 करोड़ था। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा गिरावट जो है आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने मिल रही है। साल दर साल भी अगर आप देखेंगे तो 1147 करोड़ का नंबर था पिछले साल, तो वहां से भी अगर आप देख रहे हैं तो नंबर जो है कमजोर साइड में देखने को मिल रहा है। तो नंबर जो है आपको कहीं ना कहीं कमजोरी के तरफ ही देखने को मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पे ईपीएस की भी बात कर लें इस क्वार्टर की, तो 7.84 रुपए की ईपीएस जो है कंपनी ने क्लॉक की है, पिछले क्वार्टर में थी 12.67 रुपए और लास्ट ईयर थी 12.84 रुपए के आसपास की ईपीएस। तो ईपीएस भी जो है वो घटती हुई दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं मार्केट की एक्सपेक्टेशन के मुकाबले शायद नंबर आपको यहाँ पे कम देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे स्टॉक प्राइस की बात कर लें, तो स्टॉक जो है डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो एक रेंज में बना हुआ है। हाल में नतीजे जो आए थे टीसीएस के, तो एक अच्छी तेजी देखने मिली थी, लेकिन जैसे ही इन्फोसिस के नतीजे आए थे तो आईटी पैक में पूरे गिरावट देखने मिली, और ये पिछले 4-5 दिनों से ही कहने के करेक्शन दिखा रहा है। 1260 1265 के आसपास के हाई लगे थे यहाँ पे 18 जुलाई के आसपास, और उसके बाद से स्टॉक कहीं ना कहीं 100-125 रुपए झटक चुका है नीचे की तरफ। आज के दिन की जो क्लोजिंग है 1143 के आसपास, तो अब देखना ये होगा कि सुबह के दिन क्या ये नतीजे फैक्टर इन थे मार्केट में इस गिरावट पे, या फिर यहाँ से और एक बड़ी गिरावट जो है आने वाली है। तो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ अगर हम देखें तो 1100-1110 के आसपास का एक लेवल है, जो कि डाउन साइड में एक बार के लिए देखने को मिल सकता है। अगर नतीजे के दम पे गिरावट होती है तो यहाँ से 3-4% आराम से जो है स्टॉक में आपको नतीजों के दम पे गिरावट बनती हुई दिख सकती है। जब तक ये स्टॉक आपको 1260 के ऊपर नहीं निकलता दिखता, तब तक यहाँ पे कोई खास तेजी देखने नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ से 1260 का आना भी लगभग यहाँ से ऑलमोस्ट 10% की तेजी के बराबर है। तो अब देखना होगा कि यहाँ पे तेजी होती है या फिर यहाँ पे स्टॉक जो है नीचे जाने की कोशिश करता है, और ये नतीजे जो है बाकी आईटी कंपनियों के लिए भी क्या नेगेटिव साबित होंगे या उनको भी और नीचे गिराते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।